रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे न्यूज के स्पेशल शो होली के हुड़दंग में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। आ गया है त्योहार मिलन का और मिलन भी ऐसा जिसमें हर कोई दिल और खुशी के साथ मनाए, इसलिए वक्त को ना गवाते हुए आपको मुखातिब कराती हूं उन चेहरों से जो होली के इन त्योहारों में अपने रंग जमा देंगे। मैं डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी जी को आमंत्रित करती हूँ। पल्लवी ने मुझे एसएस न्यूज चैनल के ऐसे कार्यक्रम का संचालन भार सौंपा है जो कार्यक्रम होली के लिए है। जितने भी श्रोता सुन रहे होंगे, दर्शक देख रहे होंगे, वो सब होली के मूड में होंगे, होली की मस्ती में होंगे, होली के मन से होंगे। इस होली के पर्व को भिन्न भिन्न रंगों में नहाने के लिए, भिन्न भिन्न रंगों में आपको रंगने के लिए, उन रंगों से नहीं जिन रंगों में अभी अभी आप रंग कर आकर बैठे हो, बल्कि उन रंगों में जो कविता के रंग होते हैं, कविता के अपने अपने रंग, कविता के रंगों में जो आपको रंगेंगे आज, मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहता हूँ। मेरी बाई तरफ सबसे पहले बैठे हैं हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर फक्कड़ मुरादाबादी। उनके बाद नवजीत के बहुत सशक्त हस्ताक्षर जिन्होंने नवजीत को एक विशेष पहचान दिलाने की कोशिश की है अपनी रचनाओं के माध्यम से और उसे एक अलग प्रकार का पैनापन दिया है, योगेंद्र वर्मा भी हूँ। उनके बाद एक ऐसा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार नाग जो अपनी गजलों के लिए जाने पहचाने जाते हैं, वो गीत की गुनगुनाहट भी गजलों तक पहुंचाते हैं और गजलों की कहन भी गीतों तक पहुंचाते हैं और अलग अलग विधाओं में काम करने वाले डॉक्टर कृष्ण कुमार नार। उनके बाद हमारे मुरादाबाद के गौरव यश भारती सम्मान के साथ देश के बहुत से प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित आज की कविता के सबसे बड़े हस्ताक्षर डॉक्टर महेश्वर तिवारी। मेरे दाईं ओर आप देख ही रहे हैं, होली के रंग आप तक पहुंच गए होंगे, कुछ वो गुनगुनाएंगी अपने गीतों के माध्यम से। उन रंगों को, होली के जो रंग आपके अपने रंग हैं, डॉक्टर पूनम बंसल। उनके बाद बैठी हैं हम अमरोहा से, हमारे बीच में पधारी हैं शशि त्यागी। उनकी रचनाओं में आप होली के अवसर की बासंती फुहारें, होली का प्यार, होली की मस्ती देखेंगे। मैं मक्खन मुरादाबादी आपकी सेवा में आपके लिए इस काव्य गोष्ठी का संचालन करने के लिए मैं शुरू करता हूँ। आप रंग जाइए कविता के रंगों में धीरे धीरे और इसका नशा भी आप पर वैसे ही चढ़ना चाहिए जैसे होली की मस्ती का नशा चढ़ता है धीरे धीरे और फिर ले जाता है आपको उस मद मस्ती की उत्कर्षता तक जो होली का अपना उत्कर्ष होता है। हमारे मुरादाबाद के ही कवि बहोरन सिंह वर्मा प्रवासी ने कहा है, होली है क्या, होली को किस रूप में लिखा है उन्होंने, होली को क्या कहा है उन्होंने, आप सब जानते हैं।
कि वो होली क्या है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है ये आप सुन लीजिए, फिर हम इस गोष्ठी में कविता के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। मिलाने को मनों के एकता का तार है होली, मिलाने को मनों के एकता का तार है होली, हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है होली, हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है होली, मिलाने को मनों के एकता का तार है होली, हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है होली, कहीं बौछार रंगों की कहीं बादल गुलालों के, उमंगों मस्तियों का प्रेम का भंडार है होली, ये है हमारी होली। और प्रेम के भंडार में अलग अलग प्रेम की प्यार की श्रृंगार की आहुतियां देते चलेंगे, ये एक यज्ञ है होली का, यज्ञ एक पावन त्योहार है, ये मस्ती का त्योहार जिसमें प्यार उमड़ता है, रिश्ते उमड़ते हैं, दूरियां नजदीकियों में तब्दील होती हैं, उस त्योहार का नाम है होली, जिसमें सबके भीतर एक दूसरे के प्रति प्यार ही प्यार पनपता है, उस संसार का नाम है होली। और मित्रों, इस होली को होली में बनाने के लिए मैं आपको पूरी तरह से खिलखिलाना चाहता हूँ, हंसाना चाहता हूँ, जिस मस्ती में जिस मूड में होली के जिस रस में पगे हुए हैं आप, मैं उसी रस में और आपको पगा देना चाहता हूँ भाई फक्कर मुरादाबादी की रचनाओं के माध्यम से। फक्कर मुरादाबादी, बड़े भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, मेरी समझ में आज तक प्रेम का अर्थ ही समझ में नहीं आया। चार पंक्तियां सुने कि राज प्रेम का समझ ना पाया, किस्मत कितनी हेटी है, हम तो धक्के खाते फिरते वो चैन से बैठी है, और सम्मुख उसको जब देखता बकरे सा थर्राता हूँ, जिससे अपनी आंख लड़ी है वो कसाई की बेटी है, जिससे अपनी आंख लड़ी है वो कसाई की बेटी है। बात होली की चल रही है, हास्य व्यंग की चल रही है, होली सी चार पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ कि होली के दिन हो गया सुनो रंग में भंग, धोखे से होली मिली जेब कतरे के संग, जेब कतरे के संग की पहला धोखा खाया, कटी जेब अफसोस समय ये कैसा आया, कै फक्कड़ मुस्काए होली जब भी मिलना, एक हाथ को पहले अपनी जेब पर रखना, एक हाथ को पहले अपनी जेब पर रखना। होली पर प्रोग्राम होते रहते हैं, अभी मैं प्रोग्राम में गया, थकान हो रही थी, तबीयत कुछ अस्वस्थ हो गई, बाबा रामदेव को फोन मिलाया, मैंने कहा बाबा जी मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, बोले प्रातःकाल उठाकर फायदा होगा, मैं प्रातःकाल उठा टहलने चल दिया, रास्ते में कुछ चोटे मिल गए, अंगूठी भी उतरवा ली घड़ी भी उतरवा ली, मैंने फिर बाबा को फोन मिलाया, बाबा बोले फायदा हुआ, मैंने कहा ऐसे अंगूठी भी गई और घड़ी भी गई, तो बाबा बोले तुझसे पहले वो उठ गए उनका फायदा हो गया। तो बात हास्य व्यंग की कहां से प्रारंभ होती है, देखें आप कि कुछ संयोग की बात है कि हमारी शादी भी होली के आसपास ही हुई थी, और याद आ रही है कि कभी एक मित्र थे हमारे, उन्होंने हमारा कार्ड किस ढंग से छाया, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। देखें कि हम अपनी शादी के कार्ड छपवाने हेतु एक मित्र के गए, मित्र बुद्धि के मामले में हमसे भी ज्यादा कमजोर था, आदत से मुंह जोर था, उसके पास कोई सज्जन अपने पिता की मृत्यु का कार्ड छपवाने आए, मित्र ने हमारे कार्ड को उस कार्ड से मिलाया और एक नया मैटर बनाया, प्रथम तो उसने कार्यक्रम की जगह क्रियाक्रम छाप दिया, हमने ये भी सह लिया, दूसरी गलती से मेरा दिल भर गया, गुड़चढ़ी की जगह तेरहवीं की रस्म लिख गई, गुड़चढ़ी की जगह तेरहवीं की रस्म लिख गया, तीसरी जगह जहां लिखा होता है कि बारात का प्रस्थान मंदिर से होगा, उसने छाप दिया कि दसवें का आयोजन घर पर ही हो गएगा, उसने छाप दिया कि दसवें का आयोजन घर पर ही हो गएगा, देख के ये बात मेरी आंखें आंसुओं में सनी, बिदा की जगह उसने लिख दी थी उठावनी, बिदा की जगह उसने लिख दी थी उठावनी, आखिर में जहां लिखा होता है कि पत्र को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करे, वह उसने छाप दिया मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करे, वह उसने छाप दिया मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करे, लेकर के ये कार्ड जब मैं मित्र के घर गया, कहा बेशर्म शादी के कार्ड में मृत्यु के कार्यक्रम, मित्र बोला फक्कड़ जी मुझे क्या पता थी आप नाराज हो जाएंगे, ये कार्ड तो जानबूझकर ही ट्विन बन छापे थे, जो शादी में बच जाएंगे वो मौत में भी काम आ जाएंगे। तो हास्य व्यंग की बात होती है, कभी कभी परमादरणीय बड़े भाई मक्खन जी कहते हैं तुम घरवाली पर बहुत लिखती हो, अब समस्या ये है कि घरवाली पर लिखना हमारी मजबूरी है,
वो भी अपनी घरवाली पर, किस किस की घरवाली पर लिख के लड़ने को तैयार हो जाएगा। देखें आप कि दुर्घटना में मरे हुए पति पत्नी की आत्मा जब आपस में मिले तो पत्नी बोली, जी तुम तो वक्त के अनुरूप हो गए, जिंदा आदमियों की निगाह में भूत हो गए। जिंदा आदमियों की निगाह में भूत हो गए। पति बोला, अरे बाबली तू बिल्कुल नहीं बदली, ये भी कुदरत का खेल है, पहले भी चुड़ैल थी आज भी चुड़ैल है। तो बात कहां से कहां प्रारंभ होती है। होली का अवसर है और दो जवान, एक पाकिस्तान का जवान एक हिंदुस्तान का जवान, किसी कारण उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है और वो कवित्व हृदय हैं, अपनी अपनी पत्नियों को कविता के माध्यम से पत्र लिख रहे हैं। हिंदुस्तान का जवान, आशीर्वाद चाहूंगा दादा आपका कि हिंदुस्तान का जवान किस ढंग से पत्र लिखता है। देखिए आप कि सरहद पर मुस्तैद खड़ा हूं, दुश्मन है घबराहट में, सरहद पर मुस्तैद खड़ा हूं, दुश्मन है घबराहट में, जैसे उसके प्राण बसे हो निष्कर्मों की आहट में, अगर ठीक रहा प्रिय त्योहार मनाने आऊंगा, और तुम्हारी खुशियों में मैं खुद शामिल हो जाऊंगा, अगर हादसा हुआ गलत तो धीरज अपना खोना मत, अमर शहीद की पत्नी होकर कसम तुम्हें तुम रोना मत, अमर शहीद की पत्नी होकर कसम तुम्हें तुम रोना मत। कम शब्दों में बहुत लिखा मैं, खुद किस्मत पर ऐठा हूँ, प्रियतम तुमसे भी पहले मैं भारत माँ का बेटा हूँ, प्रियतम तुमसे भी पहले मैं भारत माँ का बेटा हूँ, प्रियतम तुमसे भी पहले मैं भारत माँ का बेटा हूँ। अब पाकिस्तान का जवान अपनी बेगम के लिए किस ढंग से पत्र लिख रहा है बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी पिछले दिनों जो कांड हुआ है कि लुटा पिटा सर हंसे आया झाड़ रहा अपना पल्ला, मुश्किल से ये जान बची है भली करे अब तो अल्लाह, सोए शेर जाग गए हैं जब से हुआ बखेड़ा है, पीछे हटते जाते हैं ऐसा हमें खदेड़ा है, इसी तरह हटते पिटते गए खुद वापस आ जाऊंगा, इंशा अल्लाह ईद तुम्हारे आकर साथ मनाऊंगा। कम शब्दों में बहुत लिखा अब टूट रहा है अपना दम, आगोश में तेरे दम निकले बस इतना चाहता हूँ बेगम, बस इतना चाहता हूँ बेगम। तो एक ढंग की रचनाएं फलकर जी थे, आप तक पहुंच रहे थे, बीबी पर रचना लिखा और बीबी पर रचना लिखते लिखते शमशान घाट होते होते पाकिस्तान तक पहुंच गए और पाकिस्तान से होली में हुलियाए हुए ये अभी लौटे हैं यहाँ पर। आप लोग देख रहे होंगे इनका रंग इनका चेहरा है। तो आप भी अब होली की इस बयान में बहने को तैयार हो जाइए। रंग बहुत लगाए होंगे, गुलाल बहुत लगाया होगा, अबीर बहुत उड़ाया होगा, रंगों में सराबोर हुए होंगे सब, लेकिन होली की मस्ती तो होली के प्यार में है, होली की मस्ती तो होली के श्रृंगार में है, होली की मस्ती तो होली की बयार में है, और होली की मस्ती तो होली की बाहर में है। ये आपको कहाँ मिलेगा। मैं डॉक्टर पूनम मंसल को आमंत्रित करता हूँ, जानी मानी कवित्री हमारे नगर की, आपको जो मैंने कहा है उस सबसे जोड़ती चली जाएंगी अपनी कविता के माध्यम से, अपनी गीत के माध्यम से। डॉक्टर पूनम मंसल, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात प्रारंभ करती हूँ एक दो दोहे और पंक्तियों से। स्वागत। कि बांटो खुशियाँ फिर करो होली का सत्कार, बांटो खुशियाँ फिर करो होली का सत्कार, नफरत से तो दोस्तों जीना है दुश्वार, नफरत से तो दोस्तों जीना है दुश्वार, और होली में ऐसा उड़ा रंग अबीर गुलाल, होली में ऐसा उड़ा रंग अबीर गुलाल, बिना शर्म के लाल हैं हर गोरी के गाल, बिना शर्म के लाल हैं हर गोरी के गाल। और ये पंक्तियाँ देखिए कि होली लेकर आ गई खुशियों का उपहार, होली लेकर आ गई खुशियों का उपहार, रंगों में भीगा हुआ है सारा संसार, रंगों में भीगा हुआ है सारा संसार, है सारा संसार झूम कर नाचे गाएं, है सारा संसार झूम कर नाचे गाएं, रूठा है जो आज चलो हम उसे मनाएं, भीगा है संसार झूम कर नाचे गाएं, रूठा है जो आज चलो हम उसे मनाएं, और द्वेष भाव को भूल करे सब आज ठिठोली, द्वेष भाव को भूल करे सब आज ठिठोली, और न खिले प्यार के फूल
तभी है सार्थक होली। द्वेष भाव को भूल कर ये सब आज ठिठोली, खिले प्यार के फूल तभी है सार्थक होली, खिले प्यार के फूल तभी है सार्थक होली। और एक गीत होली की मस्ती का यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। जीवन में मस्ती की सरगम लेकर आई है होली, जीवन में मस्ती की सरगम लेकर आई है होली, रंगों में यूं भीगा तन मन सजनी साजन की होली। जीवन में मस्ती की सरगम लेकर आई है होली, रंगों में यूं भीगा तन मन सजनी साजन की होली। लहराई गेहूं की बाली, सरसों भी है झूम रही, गली गली मस्तों की टोली ले पिचकारी घूम रही, ले पिचकारी घूम रही गोरी की इस बरजोरी में, ओए गोरी की इस बरजोरी में भीग गई चूनर चोली, गोरी की इस बरजोरी में भीग गई चूनर चोली। जीवन में मस्ती की सरगम लेकर आई है होली, नीला पीला हरा गुलाबी रंग उड़ा बाजारों में, कड़वी बातें सभी भुला कर खूब छनी है यारों में, खूब छनी है यारों में, ढोल बजा कर नाचे गाएं, ढोल बजा कर नाचे गाएं, बन कर के सब हम जोली, ढोल बजा कर नाचे गाएं, बन कर के सब हम जोली। गोरी की इस पर जोरी में भीग गई चूनर चोली। और आगे देखिएगा कि रिश्तों में भी घुली शरारत, रिश्तों में भी घुली शरारत, बुरा न मानो होली है, रिश्तों में भी घुली शरारत, बुरा न मानो होली है, देवर भाभी जीजा साली सबने करी ठिठोली है, सबने करी ठिठोली है, चाचा रोते चाची हंसती, ओए चाचा रोते चाची हंसती, खाई है भंग की गोली, चाचा रोते चाची हंसती, खाई है भंग की गोली। जीवन में मस्ती की सरगम लेकर आई है होली। और ये चार पंक्तियां समाज के लिए, होली भाईचारे का त्योहार है, तो एक संदेश देना चाहती हूँ। द्वेष भाव की जले होलिका, द्वेष भाव की जले होलिका, संबंधों का मान करें, रंगों के इस इंद्रधनुष से संस्कृति का सम्मान करें, संस्कृति का सम्मान करें, रात चांदनी सजी पूर्णिमा, ओए रात चांदनी सजी पूर्णिमा, खुशियों से भर लो झोली, रात चांदनी सजी पूर्णिमा, खुशियों से भर लो झोली। जीवन में मस्ती की सरगम लेकर आई है होली, जीवन में मस्ती की सरगम लेकर आई है होली, रंगों में यूं भीगा तन मन सजनी साजन की होली। पूनम जी अब तो पूरी मस्ती में होंगे आप, पूनम जी के साथ होली का माहौल, होली का वातावरण, और
होली के रंगों में एक रंग जो अलग का होता है, जिसका जिक्र पूनम जी ने किया, भंग का रंग। इसी प्रकार के और होली की अपनी एक मादकता है, वो अलग ही है, उसका एक अलग रंग है। होली में जब भिन्न भिन्न रंगों में हम भीगते हैं, डूबते हैं, तो जब सारे रंग मिल जाते हैं तो हम बदरंग हो जाते हैं। ये बदरंग होना या ये बदरंगी होली का मूल रंग है। मैं ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूँ जिन्हें मैं इस होली की बदरंगी से जोड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ। होली के मूड में बने रहिए और मेरी बात को अपने अपने साथ लेते रहिए और मेरे बुलाए कवि के पास आप जाते रहिए अपनी भावनाओं के साथ। होली में आप सब खेलेंगे या खेली होगी, तो वातावरण जो होता है उसका जिक्र करके आपको उसमें ला देना चाहता हूँ और फिर आपको रचनाएं सुनवाता हूँ। होली में सबकी अपनी अपनी टोली, होली में सबकी अपनी अपनी टोली, मिलकर गाएं सब होली होली, चलो चले हम भी रंगों की इन टोलियों के संग, चलो चले हम भी रंगों की इन टोलियों के संग, रंगों में नहा लें और हो जाएं बदरंग। चलो चले टोलियों के संग, रंगों की इन टोलियों के संग, रंगों में नहा लें और हो जाएं बदरंग। यही तो रंग है होली का, इसमें मिला है रस प्यार हंसी ठिठोली का। यही तो रंग है होली का, इसमें मिला है रस प्यार हंसी ठिठोली का। रंगों में तो अब भी अपनी अपनी प्रभुता की जंग निरंतर ठनी हुई है, अपनी होली की बदरंगी लेकिन अब तक बनी हुई है। अपनी होली की बदरंगी लेकिन अब तक बनी हुई है, इसीलिए चलो चले हम भी, इसीलिए चलो चले हम भी रंगों की इन टोलियों के संग, रंगों में नहा लें और हो जाएं बदरंग। क्या व्योम जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, व्योम जी आए और अपने गीतों से होली के रंगों में रसागोर करें। वाह सुल्तान, सर्वप्रथम हाँ होली से संबंधित कुछ दोहे। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि रंग बिरंगे रंग से कर सोलह श्रृंगार, रंग बिरंगे रंग से कर सोलह श्रृंगार, रंज मिटाने आ गया होली का त्योहार, रंज मिटाने आ गया होली का त्योहार। और क्या अपने क्या गैर सब खुशियां बांटे संग, वाह वाह वाह, क्या अपने क्या गैर सब खुशियां बांटे संग, आज मिटे हर शत्रुता कहते सारे रंग, वाह वाह वाह, आज मिटे हर शत्रुता कहते सारे रंग, वाह, गले मिले मन से सभी छोड़ पुराने बैर, वाह गले मिले मन से सभी छोड़ पुराने बैर, एक दूसरे की सदा मांगे प्रभु से खैर, एक दूसरे की सदा मांगे प्रभु से खैर, भिन्न भिन्न पर एक हैं रंगोली के रंग, भिन्न भिन्न पर एक हैं रंगोली के रंग, नीला संग पीला सजा लाल हरे के संग, नीला संग पीला सजा लाल हरे के संग। और एक चित्र दिया है इसमें दोहे में कि गुजिया पिचकारी लड़े होगी किसकी जीत, गुजिया पिचकारी लड़े होगी किसकी जीत, एक कह रही है गजल एक लिख रही गीत, एक कह रही है गजल एक लिख रही गीत। और अंतिम दोहा है कि चलो मनाएं इस तरह होली अब की बार, चलो मनाएं इस तरह होली अब की बार, होली अब की बार,
इस होली में दें जला मन के सभी विकार। बहुत अच्छा। इस होली में दें जला मन के सभी विकार। बहुत अच्छा। और वर्तमान समय बड़ी विद्रूपताओं का समय है। होली का त्योहार रिश्तों में नई गर्मी लाता है, नई ऊर्जा लाता है, एक नयापन लाता है, अपनापन लाता है। तो मैं उसी संदर्भ से एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत। कि इन विषमता के पलों में, इन विषमता के पलों में, स्वार्थ के इन मरुथलों में, इन विषमता के पलों में, स्वार्थ के इन मरुथलों में, नेह के सरसिज उगाए हो सुगंधित सब दिशाएं। नेह के सरसिज उगाए हो सुगंधित सब दिशाएं, द्वेष की लूके थपेड़ों से सुमन मुरझा रहे हैं। द्वेष की लूके थपेड़ों से सुमन मुरझा रहे हैं, और कोयल मोर बुलबुल भी नहीं कुछ गा रहे हैं। इस घुटन की त्रासदी में, इस घुटन की त्रासदी में दौड़ती जाती सदी में प्रश्न के उत्तर सुझाएं, प्यार को फिर से बुलाएं, नेह के सरसिज उगाएं, वो सुगंधित सब दिशाएं। दूसरा बंद है इसका के अब घृणा वातावरण में हर तरफ फैली हुई है। अब घृणा वातावरण में हर तरफ फैली हुई है, श्वेत चादर आपसी सद्भाव की मैली हुई है। श्वेत चादर आपसी सद्भाव की मैली हुई है, तो सब गिले शिकवे मिटाएं, सब गिले शिकवे मिटाएं, दो कदम आगे बढ़ाएं, नेह के सरसिज उगाएं, वो सुगंधित सब दिशाएं। बहुत अच्छा। और अंतिम है इसका कि भूख बेकारी अभावों का, भूख बेकारी अभावों का घना छाया अंधेरा। भूख बेकारी अभावों का घना छाया अंधेरा, दूर तक दिखता नहीं कोई व्यवस्था का सवेरा। दूर तक दिखता नहीं कोई व्यवस्था का सवेरा, रात गहरी हो गई है, चांदनी भी खो गई है। रात गहरी हो गई है, चांदनी भी खो गई है, दीप आशा के जलाएं, रोशनी से पथ सजाएं, नेह के सरसिज उगाएं, हो सुगंधित सब दिशाएं। बहुत अच्छी रचना। और आपने अपनी रचना से हमें इस लायक कर दिया कि ना हम गुंजिया खा पाएंगे और ना ये समोसा भी नहीं खा पाएंगे। ये गीत लिखने लग गए यही लोग, हम क्या करेंगे। आनंद आ गया, और होली का यही आनंद है। ये विकृतियाँ होली में भी आपको दिखाई देती होंगी कहीं ना कहीं, और असंगतियाँ तो जीवन के हमेशा साथ लगी रहती हैं, लेकिन उनमें लगे रहने में कोई बुराई नहीं है, उनमें भी कुछ ना कुछ भलाई होती है, अच्छाई होती है। हमारे यहाँ होली देश भर में कई प्रकार से खेली जाती है। बनारस में अलग प्रकार से, इलाहाबाद में अलग प्रकार से, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग प्रकार से, और कृष्ण जी की भूमि में अलग प्रकार से लठमार तक होली होती है, और उसे पता नहीं कितने कितने रूपों में देखते हैं अपने जीवन में। ये होली के रूप हैं अपने, नए नए, अलग अलग, अलग अलग संदेश देते हैं, गालियाँ भी दी जाती हैं, लठ्ठी मारा जाता है, तो उस लठ्ठ के मारने में भी प्यार होता है, होली की दी गई गालियों में भी प्यार ही बसा होता है। मूल रस जो है होली का वो प्यार है, प्रेम है, मोहब्बत है। प्यार से दी गई गालियाँ उकसाती नहीं हैं। अगर आप किसी को वैसे गाली दोगे तो आपसे लड़ने आ जाएगा, लड़ने पर उतारू हो जाएगा, आपकी कालर पकड़ लेगा, आपको खींच लेगा, अगर आपको पीट सकता होगा तो पीट लेगा, लेकिन होली में ऐसा नहीं हो सकता।
प्यार से दी गई गालियां उकसाती नहीं हैं, अपितु भीतर ही भीतर रस भर देती हैं। एक ऐसा रस जो आपकी जिंदगी को सींचता है, जो आपके भीतर प्यार को सींचता है, जो आपके भीतर प्यार पनपाता है लगातार, और वही प्यार का पनपना होली का मूल रूप है, होली का मूल श्रृंगार है और होली की एक विशेष बहार है। तो होली के इस रूप को, इस अंदाज को, होली के उस प्यार को आप तक पहुंचाने के लिए मैं अपने बीच अमरोहा से उपस्थित शशि त्यागी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपना रचना पाठ करें। हार्दिक धन्यवाद, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होली के इस अवसर पर। जीवन में है रंग अनेक, जीवन में है रंग अनेक, है एक से बढ़कर एक, मिल जाते हैं जब सभी भाव, तो धरती पर होती सतरंगी रेख, तब धरती पर होती सतरंगी रेख। और होली के इस अवसर पर देखिए एक चित्र का अनुभव कीजिएगा कि कैसा होली का समा हो जाता है जब रंगों की बौछार होती है। कि देखिए घूंघट की ओट देखे नैनन सुकोर, तिरछी है कटार, अरे सररर, अरे सररर। घूंघट की ओट देखे नैनन के कोर, तिरछी है कटार, अरे सररर। पिचकारी की धार पड़ी रंग की फुहार, आयो फागुन त्योहार, अरे सररर, अरे सररर। बड़ी नटखट सी नार, बड़ी नटखट सी नार, रोके हाथन सो वार, पड़े रंग की फुहार, अरे सररर, अरे सररर। पड़ी तन पर फुहार, पड़ी तन पर फुहार, भीगी चुनरी तुहार, पड़ी तन पर फुहार, भीगी चुनरी तुहार, गोरी मनवा गई हार, अरे सरर, अरे सरर। सखियों की छेड़छाड़, सखियों की छेड़छाड़, पिया रंग दियो डार, सखियों की छेड़छाड़, पिया रंग दियो डार, गोरी करे तकरार, अरे सरर, अरे सरर। तन सिहर सिहर जाए, तन सिहर सिहर जाए, बहे फागुन बयार, गोरी नैन हुए चार, अरे सरर, गोरी नैन हुए चार, अरे सरर। उड़े अबीर गुलाल, उड़े अबीर गुलाल, नंद बाबा को लाल, संग लिए ग्वाल बाल, अरे सरर, अरे सरर। लई चुनरी संभार, लई चुनरी संभार, बरसाने की नार, लई चुनरी संभार, बरसाने की नार, दिए लठ दुई चार, अरे सरर। आयो होली त्योहार, रंग हुए चार चार, अरे सरर, अरे सरर। और देखिए जब हमारा देश सुरक्षित है, सीमाओं पर सेनाएं तैनात हैं, तभी हम भीतर देश के होली मना पाते हैं। आज मैं उस सैनिक को याद करना चाहती हूँ जिसका शीश काट कर ले गए लोग, हमारे पड़ोसी देश जिसका शीश काट कर ले गए। आज उसके परिवार में एक शोक का वातावरण जरूर उसको उस त्योहार पर याद आता है, अपना पति। और उस सैनिक की आत्मा क्या कहती है जब वह परिवार बिलखता है, तब उसकी सैनिक की आत्मा क्या कहती है, आपके समक्ष 8 पंक्तियों में एक छोटी सी रचना रखना चाहूंगी। क्या कहती है उसकी आत्मा, के यूं आंसू न बहा, मैंने कुर्बानी दी है, यूं आंसू न बहा, मैंने कुर्बानी दी है, देश के चैनो अमन शीश निशानी दी है, देश के चैनो अमन शीश निशानी दी है, जिंदा है देश मेरा सीने में मेरे हर पल, जिंदा है देश मेरा सीने में मेरे हर पल, बच्चा बच्चा भी सुने ऐसी कहानी दी है, बच्चा बच्चा भी सुने ऐसी कहानी दी है,
मैंने खुद देश की रक्षा की कसम खाई है, मैंने खुद देश की रक्षा की कसम खाई है, हर एक बूंद मेरी देश के काम आई है, हर एक बूंद मेरी देश के काम आई है, मरते दम तक मेरे भारत थी मुझे तेरी कसम, मरते दम तक मेरे भारत थी मुझे तेरी कसम, इस तिरंगे के लिए जान ये लुटाई है, इस तिरंगे के लिए जान ये लुटाई है, यूं आंसू न बहा मैंने कुर्बानी दी है, यूं आंसू न बहा मैंने कुर्बानी दी है। और सब देश की सीमाओं पर हमारा पड़ोसी देश समसामयिक एक रचना प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ कि ये मेरी बात नहीं, ये बात पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं जिन्हें मैंने शब्दों में ढाला है कि पाकिस्तानी अखबार लिख रहा है समाचार, पाकिस्तानी अखबार लिख रहा है समाचार, 2019 में मोदी जीत जाएगा, और पाक पत्रकार यह कह रहे हैं घबरा कर, नक्शे से खुद ब खुद आतंक मिट जाएगा। बहुत बड़ी समस्या है आज विश्व के सामने आतंक की, कि नक्शे से खुद ब खुद आतंक मिट जाएगा, और विश्व में फैलाया जिस पाक ने आतंकवाद, घुटने वो भारत के समक्ष टेक जाएगा, और होली सब मनाओ और गले मिलो हंस कर, होली सब मनाओ और गले मिलो हंस कर, विश्व गुरु भारत अवश्य बन जाएगा, विश्व गुरु भारत अवश्य बन जाएगा। और करना क्या है कि जनगण मन मिल एकता दिखाओ सभी, जनगण मन मिल एकता दिखाओ सभी, भारतीय मन का कमल खिल जाएगा, अनेकता में एकता का मंत्र अपनाओ सभी, अनेकता में एकता का मंत्र अपनाओ सभी, विश्व पटल पर भारत छा जाएगा, विश्व पटल पर भारत छा जाएगा, विश्व पटल पर भारत छा जाएगा। धन्यवाद। शशि जी को आप सुन रहे थे, अरे वो तो बहुत अच्छा बोली, बोली को बहुत अच्छी रचना, मस्ती आ गई होगी आपको होली की पूरी, और होली का मूड बनाए रखिए, होली के मूड में रसे बसे रहिए, और हम आगे और आपको होली से इतर भी कुछ चीजें होली के अवसर पर हमारे जहनों में रहती हैं, अब वो रहनी चाहिए कविता के माध्यम से। होली के अवसर पर केवल ये ही रंग नहीं जिन्हें हम होली के रंग कहते हैं समझते हैं, और जिन्हें मैंने पहले शुरुआत में भी कहा था कि कविता के रंग आपके पास पहुंचेंगे होली के रंगों के साथ, तो ये कविता में होली के रंग भी थे, और कविता के और दूसरे रंग भी होते हैं, दूसरे रंग आप तक पहुँचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप होली की उस मस्ती के साथ कविता के उन रंगों को भी पियो, और पहले एक एक गिलास पानी पियो। मैं फिर सुकुमार नाश को एक दोहा होली से संबंधित के, होली के उल्लास की भाई वाह क्या बात, क्या बात है, होली के उल्लास की भाई वाह क्या बात, गुजिया देने लग गई बिरयानी को मात, क्या बात, गुजिया देने लग गई बिरयानी को मात। दो तीन शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहता हूँ कि पता ये भी नहीं जिसको कि उसका दाम क्या होगा, पता ये भी नहीं जिसको कि उसका दाम क्या होगा, भला वो शख्स इस बाजार में नीलाम क्या होगा, क्या वाह 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 वाह, भला वो शख्स इस बाजार में नीलाम क्या होगा, और न समझी हैं न समझेंगी कभी भटकी हुई लपटे, न समझी हैं
न समझेंगी कभी भटकी हुई लपटे, लगेगी आग बस्ती में तो फिर अंजाम क्या होगा, लगेगी आग बस्ती में तो फिर आराम क्या होगा, और न कर पाई असर जिन पर बुजुर्गों की दुआएं भी, न कर पाई असर जिन पर बुजुर्गों की दुआएं भी, दवा से उन मरीजों को भला आराम क्या होगा, दवा से उन मरीजों को भला आराम क्या होगा, और वो रिश्ता जो हमें नजदीक से नजदीक तर लाया, वो रिश्ता जो हमें नजदीक से नजदीक तर लाया, जरा ये भी तो बतला दो कि उसका नाम क्या होगा, जरा ये भी तो बतला दो कि उसका नाम क्या होगा। दो से दो तीन चेहरे और पेश कर रहा हूँ। बहार हुए मुस्काने ही क्या, आंसू भी सालाना त्योहार हुए, मुस्काने ही क्या आंसू भी सालाना त्योहार हुए, और आंखों में तूफान उठा तो दामन भी दरकार हुआ, आंखों में तूफान उठा तो दामन भी दरकार हुआ, और जब दामन हाथ में आया सब आंसू खुददार हुए, और जब दामन हाथ में आया सब आंसू खुददार हुए, और घर में सबकी अपनी ख्वाहिश सबकी अपनी फरमाइश, क्या बात है, घर में सबकी अपनी ख्वाहिश सबकी अपनी फरमाइश, आज हमें तनख्वाह मिली है हम भी इज्जतदार, आज हमें तनख्वाह मिली है हम भी इज्जतदार हुए। और दादा ये शेर चरणों में आपके रख रहा हूँ, एक जो हम हमारी उम्र के जो लोग हैं उनकी एक समस्या भी है कि आज हमें तनख्वाह मिली है हम भी इज्जतदार हुए, और सबकी नजरों में तो अपने घर के मुखिया हैं अब भी, सबकी नजरों में तो घर के मुखिया अपने घर के मुखिया हैं अब भी, लेकिन बच्चों की नजरों में हम बासिया, क्या बात है, लेकिन बच्चों की नजरों में हम बासी अखबार हुए, और चिंता उलझन दुख सुख नफरत प्यार वफा आंसू मुस्कान, क्या बात है, क्या बात है, चिंता उलझन दुख सुख नफरत प्यार वफा आंसू मुस्कान, एक जरा सी जान के देखो कितने हिस्सेदार, क्या बात है, क्या बात, एक जरा सी जान के देखो कितने हिस्सेदार हुए, और जिन रिश्तों को दुलराने में हमने उम्र चुका दी नाज, आज उन्हीं रिश्तों के आगे हम बेबस लाचार हुए, आज उन्हीं रिश्तों के आगे हम बेबस लाचार हुए। एक छोटा सा गीत और प्रस्तुत करने के लिए चाहता हूँ। तुम समंदर हो अपरिमित और मैं जलयान हूँ, तुम समंदर हो अपरिमित और मैं जलयान हूँ, मैं तुम्हारी प्रीत हूँ पहचान हूँ, तुम समंदर हो अपरिमित और मैं जलयान हूँ, मैं तुम्हारी प्रीत हूँ पहचान हूँ, खूब लहरों से लड़ा हूँ खूब झेले हैं सितम, खूब लहरों से लड़ा हूँ खूब झेले हैं सितम, ये विषमताएं मगर उत्साह कर पाई न कम, मैं तुम्हारी यश कथा हूँ, मैं तुम्हारी यश कथा हूँ, नेह का गुणगान मैं तुम्हारी प्रीत हूँ पहचान हूँ, देख ली जादूगरी मैंने तुम्हारे प्यार की, क्या बात, देख ली जादूगरी मैंने तुम्हारे प्यार की, दृष्टि तुमने बांध
रखी है सकल संसार की। क्या बात है। मैं तुम्हारी ही कृपा हूँ, मैं तुम्हारी ही कृपा हूँ, मैं अमर वरदान हूँ, मैं तुम्हारी प्रीत हूँ, पहचान हूँ। और आखिरी चरण है गीत का, सीप भी है शंख भी, तूफान भी मझधार भी, सीप भी है शंख भी, तूफान भी मझधार भी, हैं सभी निर्भर तुम्हीं पर, नाव भी पतवार भी, मैं सितारा हूँ गगन हूँ, मैं सितारा हूँ गगन हूँ, चांद हूँ दिन मान हूँ, मैं तुम्हारी प्रीत हूँ, पहचान हूँ। तुम समंदर हो अपरिमित और मैं जलयान हूँ, मैं तुम्हारी प्रीत हूँ, पहचान हूँ। धन्यवाद। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ काव्य पाठ के लिए, जो अभी हमारे पूरे कार्यक्रम का जिन्होंने जो संचालन कर रहे हैं, देश के सुविख्यात व्यंगकार डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी जी। दोस्तों, व्यंग के बारे में कहा गया है कि व्यंग भाभी की चिकोटी है, जो पीड़ा तो पहुंचाती है लेकिन आनंद की अनुभूति भी कराती है। वाह वाह वाह। व्यंग के बारे में यह भी कहा गया है कि व्यंग खादी भंडार का कंबल है, जो शरीर को चुभता तो है लेकिन ठंड से बचाव कराता है। मैं आपने अनेक बार टेलीविजन पर और कवि सम्मेलनों में और विभिन्न माध्यमों से डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी जी को अवश्य सुना होगा, एक देश के सशक्त व्यंगकार। मैं उन्हीं से निवेदन कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए, डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी जी। जी, आप खाते भी हैं और लगाते भी। क्या बात है। आप खाते भी हैं, आप लगाते भी हैं, आप चाटते भी हैं, आप काटते भी हैं। क्या बात है। तो यही व्यंग है कि जो कुछ मैं ये भोगता हूं, यही व्यंग है। आज होली है, हम भी होली की मस्ती में हैं और आप भी होली की मस्ती में हैं। तो होली की कविताओं से, होली के गीतों से आप पूरी तरह होली में हो गए होंगे, पूरी तरह भुलसा गए होंगे होली के इस मौसम में। ये होली का मौसम चारों ओर से खिलता हुआ मौसम है, हर आदमी रंगों में नहाकर ऐसे ही खिल जाता है जैसे ही मौसम खिल जाता है। वाह। तो मैं ऐसे ही खिले रहिए और मैं कोशिश करूँगा कि इस गोष्ठी के आखिरी पड़ाव तक आप ऐसे ही खिले रहें और खिले रहने के साथ साथ खिल खिलाते रहें और खिल खिलाने के साथ साथ अपने आप को होली की जो बुराइयां जिन्हें हम कहते हैं उनसे बचाते रहें। वाह वाह। मैं आपके पास आता हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। अब हास्य व्यंग का कवि क्या लिखेगा होली पर, प्रेम की बात क्या करेगा, ये तो गीत लिखने वालों कवियों का काम है, लेकिन अगर लिखना ही पड़े तो चार पंक्तियां एक बार लिखेंगे होली के नाम पर आपको समर्पित। आप सुनिएगा और इन रचना इन पंक्तियों में डूबिएगा, महसूस कीजिएगा उस रचना का अपना पन। सुनो सुनो प्रिय, दूध के झाग लगती हो, सुनो सुनो प्रिय, दूध के झाग लगती हो, गुस्सा जब दिखलाओ तुम आग लगती हो। क्या बात है। सुनो सुनो प्रिय, दूध के झाग लगती हो, गुस्सा जब दिखलाओ तुम आग लगती हो, होली के रंगों में नहाकर निकलो तब
कसम तुम्हारी तुम कंपनी वाले क्या बात है आग लगती हो गुस्सा जब दिखलाओ तुम आग लगती हो होली के रंगों में नहाकर निकलो तब कसम तुम्हारी तुम कंपनी वाले क्या बात है। होली मस्ती का त्योहार है और मस्ती होली के नाम से आए होली के काम से आए या किसी और में आए मस्ती तो मस्ती है। हाँ हाँ। तो आप मस्ती लीजिए एक और छोटी सी रचना के माध्यम से। स्वागत। मैं बहुत दुबला पतला सा हूँ आपको दिखाई दे रहा हूँ मेरे शारीरिक ढांचे को जहन में रखिए और कल्पना करिए हरियाणा के लोगों के हट्टे कट्टे होते हैं। क्या बात। तो मैंने पहली बार जब सफर किया तो ये हरियाणा की बस में एक तगड़ी सी महिला से मैंने पूछा क्या तुम हरियाणा की हो। हरियाणा की बस में एक तगड़ी सी महिला से मैंने पूछा क्या तुम हरियाणा की हो। बोली हाँ। और तुम? मैंने कहा मैं भी हरियाणा का हूँ। बोली रे सीखिया पहलवान यो बात कह के काहे को लड़ाई की जल बोवे है ठारे से तगड़ा तो मारे यहाँ बालक पैदा हो। क्या बात है। ठारे से तगड़ा तो मारे यहाँ बालक पैदा हो। ये मन ये भावना जहाँ है वही होली के इसी रंग में आप रंगे रहिए लेकिन होली के रंगों के साथ साथ अपने घर की चिंता अपने पड़ोस की चिंता अपने आसपास की चिंता अपने समाज की चिंता अपने देश की चिंता मत छोड़ दीजिएगा। मैं देश की उन छोटी छोटी चिंताओं के लिए आपको ताजा करना चाहता हूँ आपको जगाना चाहता हूँ कि होली की मस्ती में सोए मत रहिएगा उनके लिए भी सजग रहिएगा जागते रहिएगा जैसे मैं आपसे शुरू करता हूँ। अभी अभी आप गुजरे हैं उस दिन से जिसे हम वैलेंटाइन क्या होता वैलेंटाइन डे मुझसे तो लिया भी नहीं जा रहा तो उम्र का भी तकाजा है उम्र का तकाजा तुमसे भी नहीं लिया जाएगा मैंने बहुत कम उम्र वाले भी देखे हैं वो भी नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं आपको एक रचना देना अभी उस दिन से गुजर के आए मैं आप को सतर्क करना चाहता हूँ सत्य क्यों इसलिए ये रचना पढ़ रहा हूँ कि होली हमारा प्यार का त्यौहार है होली हमारा मनोहार का त्यौहार है होली हमारा मनाने का त्यौहार है होली हमारा मिलने का त्यौहार है। अब वो सारी चीजें जो हैं वो प्यार में समाई हैं। प्रेमियों का नहीं मन चलों का है वैलेंटाइन डे। वाह। प्रेमियों का नहीं मन चलो का है वैलेंटाइन डे फिर भी इतनी रेस्पेक्ट पे देश भर में ये गुलाबों से गुलाबी होकर मन गया प्यार जिसमें बाजार की भेंट चढ़ गया। देश भर में ये गुलाबों से गुलाबी होकर मन गया प्यार जिसमें बाजार की भेंट चढ़ गया फरमाइश पर फरमाइश होती रही प्यार की नुमाइश होती देश में गुलाबों से गुलाबी होकर मन गया प्यार जिसमें बाजार की भेंट चढ़ गया फरमाइश पर फरमाइश होती रही प्यार की नुमाइश होती रही प्रेमियों और मन चलों का अर्थ नहीं समझे प्रेमियों और मन चलों का अर्थ नहीं समझे हो गया प्यार का बेड़ा गर्क नहीं समझे। क्या बात है क्या बात है। प्रेमियों और मन चलों का अर्थ नहीं समझे हो गया प्यार का बेड़ा गर्क नहीं समझे। दोस्तों इस रचना के माध्यम से कहना यही चाहता हूँ आपको जो होली का मकसद है मूल स्रोत है प्यार प्रेम उसका बेड़ा गर्क ना हो। क्या बात है क्या बात है। वो बना रहे वो बना रहेगा तभी हम जिंदा रहेंगे। छोटी छोटी एक आध रचना और आपको देता हूँ मैं सुनिएगा मैं क्यों बिल्कुल ताजा रचना है। क्यों फिरते हो परेशान से दिन भर मारे मारे एक नुस्खा दे रहा हूं आपको क्यों फिरते हो परेशान से दिन भर मारे मारे थके थके से जैसे कोई बड़ी लड़ाई हारे। क्यों फिरते हो परेशान से दिन भर मारे मारे थके थके से जैसे
कोई बड़ी लड़ाई हारे ऐसा ऐसे क्या कुछ लग पाएगा जीवन में हाथ, ऐसे क्या कुछ लग पाएगा जीवन में हाथ। आओ कुछ बड़ा सोचिए मिलकर किसी बैंक के साथ, कुछ बड़ा सोचते हैं मिलकर किसी बैंक के साथ। छोटा सोचोगे तो पचड़ों में पड़ जाओगे, वाह, और बड़ा सोच कर प्यारे तुम भी उड़ जाओगे, तुम भी उड़ जाओगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बड़ा सोच कर प्यारे तुम भी उड़ जाओगे। एक अंतिम रचना, हमको क्या समझेंगे आपकी मेरी देश की सबकी रचना है, हमको क्या समझेंगे यार जमाने वाले, वाह वाह, हमको क्या समझेंगे यार जमाने वाले, हम दो ही तरह के लोग हैं हिंदुस्तानी। हमको क्या समझेंगे यार जमाने वाले, हम दो ही तरह के लोग हैं हिंदुस्तानी, ज्यादातर मूर्ख बनने वाले मुट्ठी भर मूर्ख बनाने। हमको क्या समझेंगे यार जमाने वाले, बहुत सुंदर। हमको क्या समझेंगे यार जमाने वाले, हमको क्या समझेंगे यार जमाने वाले, हम दो ही तरह के लोग हैं हिंदुस्तानी, ज्यादातर मूर्ख बनने वाले, मुट्ठी भर मूर्ख बनाने वाले। इसी का तो फायदा, इसी का तो लाभ विदेशियों ने उठाया, हजारों साल तक हमको मूर्ख बनाया। इसी का तो फायदा, हिंदू मुसलमान सबको कहना चाहता हूँ मैं, और ये होली के अवसर पर ये बात कहना चाहता हूँ, वो चीज हमारे भीतर बनी बनी रहनी चाहिए। हजारों साल तक हमको मूर्ख बनाया, हो सकता है मैं गलत हूँ या फिर सही, मुगल चले गए कब के पर मुगलियत आज तक नहीं गई। मुगल चले गए कब के पर मुगलियत आज तक नहीं गई, हमारी जहनियत, हमारी रहनियत यहाँ तक चुकी हुई है। संस्कृति और संस्कारों की बात हमसे वो करते हैं जिनके घर के भीतर तक अंग्रेजियत घुसी हुई है। क्या बात है, घर के भीतर तक अंग्रेजियत। अपनी रचनाओं के साथ आपको पसंद आई होंगी, आपको होली के रंग भी दिखे होंगे, और आपको कहीं अपनी आपकी सबकी चिंता भी दिखी होगी। इस चिंता से सतर्क रहिए और इससे बचते बचाते अपने रास्ता बनाते चलिए। और अब मैं अपनी इस गोष्ठी का रास्ता बनाकर मंदिर पर पहुंचने की कोशिश करना चाहता हूं, और इस गोष्ठी को मंदिर पर कौन ले जाएगा, आपको भी रंगों की खुमारी से कौन उतार पाएगा आपके ऊपर से रंगों की खुमारी, तो वो रंगों की खुमारी आपके भीतर से तब निकलेगी, आपके ऊपर से तब उठेगी जब उसमें से फागुन बोलेगा। और फागुन बोलेगा तो क्या होगा, और फागुन की फगमाहट के लिए मैं आदरणीय महेश्वर तिवारी जी को प्रस्तुत करता हूँ। महेश्वर तिवारी, स्वागत है। होली की गोष्ठी है ये, लेकिन मैंने फागुन शब्द का प्रयोग किया है। अरे वाह। और छंद ये है कि जहाँ रदीक में फागुन में आता है, अगर होली में कर देंगे तो बहर में कहीं से कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन होली को हम हंसी का, विनोद का त्यौहार तो मानते ही हैं, वो रसरंग का भी त्यौहार है, वो परस्पर प्यार का भी त्यौहार है, आत्मीयता का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। लेकिन उसमें एक चुहलबाजी भी शामिल होती है, उन सब को समेट करके एक रचना। स्वागत स्वागत। कैसी शोक हुई पछुआई फागुन में, कैसी शोक हुई पछुआई फागुन में, दिन दोपहर लेती अंगड़ाई फागुन में, कैसी शोक हुई पछुआई फागुन में, दिन दोपहर लेती अंगड़ाई फागुन में, नई नई कोपल
मंजरियों फूलों में नई नई कोपल मंजरियों फूलों में ढूंढे सब अपनी परछाई अच्छा मंजरियों फूलों में ढूंढे सब अपनी परछाई फागुन में दिन दोपहर लेती अंगड़ाई फागुन में घंटों बैठी रूप निहारे दर्पण में घंटों बैठी रूप निहारे दर्पण में सज धज कर पूरी अंगनाई घंटों बैठी रूप निहारे फागुन में सज धज कर पूरी अंगनाई फागुन में अगला चरण है जंगल जंगल यह कैसी लयदारी है जंगल जंगल यह कैसी लयदारी है पूरी चैती की बन आई जंगल जंगल यह कैसी लयदारी है होरी चैती की बनवारी फागुन में पंक्ति अगली देखना इनके उनके होने का मौसम आया इनके उनके होने का मौसम आया रिश्ते करते खूब कमाया उनके होने का मौसम आया रिश्ते करते खूब कमाई आखन में बाह पसारे हुए दिशाएं लगती हैं क्या बात बाह पसारे एक खुलापन आ जाता है आ जाती है बाह पसारे हुए दिशाएं लगती हैं अच्छी लगती है रुसवाई फसारे दिशाएं लगती है अच्छी लगती है रुसवाई फागुन में एक और बिंब देखें सोए हो या रात रात भर जागे हो क्या सोए हो या रात रात भर जागे हो सपने करते हैं पहुनाई फागुन सोए हो या रात रात भर जागे हो सपने करते हैं पहुनाई फागुन में कबीर से एक शब्द लिया है मैंने भूल गई गीता रामायण छूट गई भूल गई गीता रामायण छूट गई आंखें पढ़ती आखर ढाई पागुन भूल गई गीता रामायण छूट गई आंखें पढ़ती आखर ढाई पागुन में बदल गई सारी दिनचर्या पल भर में बदल गई सारी दिनचर्या पल भर में अपनी नींदे हुई पराई बदल गई सारी दिनचर्या पल भर में अपनी नींदे हुई पराई फागुन में अंतिम है जिससे तुम्हें पुकार लिया करता अक्सर जिससे तुम्हें पुकार लिया करता अक्सर किसने वह बांसुरी चुराई जिससे तुम्हें किसने पुकार लिया करता अक्सर किसने वह बांसुरी चुराई फागुन में कैसी शोक हुई कछुआई फागुन में एक रचना है ये फागुनी
इसी रंग के कुछ मुक्तक। स्वागत है, स्वागत है। इस रंग से बचता छोड़िए कोई। आज सोती हुई सी आंखों में, आज सोती हुई सी आंखों में, गीत बोती हुई सी आंखों में, क्या बात है। आज सोती हुई सी आंखों में, गीत बोती हुई सी आंखों में, कोई सपना खिला है महुए सा, कोई सपना खिला है महुए सा, मन भिगोती हुई सी आंखों में, कोई सपना खिला है महुए सा, मन भिगोती हुई सी आंखों में। एक और गीत है, डालियां स्वरूप का चित्रण। जी जी जी। डालियां फूल से लदी हो तुम, डालियां फूल से लदी हो तुम, थर थराती हुई सदी हो तुम। क्या बात है, वाह 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 वाह। फूल से लदी हो तुम, थर थराती हुई सदी हो तुम, देह मन प्राण डूब जाते हैं, देह मन प्राण डूब जाते हैं, चितवनों में ढली नदी हो तुम, देह मन प्राण डूब जाते हैं, चितवनों में ढली नदी हो तुम। डालियां और अंत मुक्तक है, ये भी एक चुरु का मुक्तक। फूल आए चढ़ा के गंगा में, फूल आए चढ़ा के गंगा में, दीप आए जला के गंगा में, फूल आए चढ़ा के गंगा में, दीप आए जला के गंगा में, प्यार से आपने देखा तो लगा हम भी आए नहा के गंगा से, आपने देखा तो लगा हम भी आए नहा के गंगा। तो श्रोताओं, ये गोष्ठी प्यार श्रृंगार मनोहार और गीत की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों के माध्यम से संपूर्ण होती है। आपके भीतर ये प्यार बना रहे, आपके भीतर होली के प्यार वाला संस्कार बना रहे और आपका हमारा ये व्यवहार बना रहे। आपको होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आपका होली पर्व बहुत सुखमय हो, समृद्धि पूरे वर्ष आपके घर परिवार में पसरी 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 करती रहे। वाह वाह वाह।